हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब अच्छे हो, अगर मैं भी अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग कशोर वापस से घर से कर रही हूँ, और आप लोगों को सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने लास्ट मेरे दो ब्लॉग में, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि घर के ब्लॉग्स डालो थी, तो उस ब्लॉग में आप लोगों ने अपना प्यार और सपोर्ट जैसा दिखाया है, तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आप लोग उसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा अपना। तो चलिए ब्लॉग का शुरुआत करते हैं, और आज का ब्लॉग का शुरुआत बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ से मैं करने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को पसंद आएगा। क्योंकि अभी मैं घर के ब्लॉग से डाल रही हूँ ना, तो सोच रही हूँ कि जैसा जो मैं करती हूँ तो वो भी आप लोगों के साथ धीरे धीरे करके शेयर करूँ। तो मेरा जो मॉर्निंग का जैसा रूटीन रहता है, तो मैं सोचा चलो वो भी आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करते हैं। क्योंकि अभी तो आप लोगों को पता होगा मैं घर पर ही हूँ, और घर पर भी मैं नॉर्मली रहती थी ना, तो वो चीज़ भी मैं करती थी। तो चलिए वो दिखाते हैं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप लोग इस चैनल पर अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेट मिले। तो चलिए वीडियो को डायरेक्ट जो मैं करने वाली हूँ वो दिखाती हूँ। तो मैं ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को मेरे वीडियो में दिखा रही हूँ, ये देख लीजिए। जैसे हमारे मंदिर जो हमारा घर का है ना, तो घर के विंडो के पास ही तुलसी जी का और ये शिव जी का जो शिवलिंग है, ये हम लोग रखें, यहाँ पर पूजा वगैरह होता है। और आप लोगों को मैंने बहुत पहले ही अपने वीडियो में घर का अपना मंदिर भी दिखाया होगा, आप लोग अगर मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो अभी आए हैं, थोड़ा सा पूजा वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। सुबह सुबह भगवान का नाम ले लेते हैं, एज यूजुअल सभी को ही लेते हैं, मैं भी लेती हूँ। बट ये अलग बात है कि मैं वीडियो में सब नहीं दिखाती थी, तो अभी मैं घर के ब्लॉग्स कर रही, तो सोच रही हूँ आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी करके जो चीज़ें शेयर करनी चाहिए वो शेयर करते हैं। तो थोड़ा पूजा वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो, पूजा मेरा हो गया कंप्लीट, और नीचे भी देख सकते हैं ये सारा, जैसे पूजा जैसे किया जाता है वैसे ही सबका अपना अपना तरीका होता है करने का। तो मेरा तो हो गया है, तो चलिए अब ब्रेकफास्ट की तरफ चलते हैं। तो पूजा वगैरह तो हो गया है कम्प्लीट, और पूजा कैसे करते हैं कैसे नहीं करते वो मैंने शूट नहीं करा, क्योंकि सबका अपना अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का। और ज़्यादा अगर दिखाने लगी हूँ तो लोगों को लगेगा मैं शो ऑफ कर रही हूँ वीडियो के चक्कर में, बट ऐसा नहीं है। मतलब नॉर्मल लाइफ में लोग जैसा जो करते हैं वो तो अपने लाइफ में अपने तक ही रखते हैं। तो मैंने, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं घर के ब्लॉग दूंगी, तो मैं अपने से रिलेटेड, मैं अपने लाइफ में जैसे जो चीज़ फॉलो करती हूँ, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए अब जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, बट आज मैं यूनिक ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ, वही मैंने सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत ही इजी, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग भी घर पे ज़रूर इसको ट्राई करना। तो दिखाते हैं मैं क्या, वैसे उसे कुक भी करना होगा, तो चलिए पहले कुक कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज, आज मैं वही चीज़ मैगी बनाने जा रही हूँ। जी हाँ, ये देख सकते हो विदाउट चीज़ का, ये पॉपकॉर्न जो कुरकुरे का जो आता है ना वो, और ये मैगी मैंने ले लिया है। तो चलिए फटाफट, ज़्यादा टाइम जैसे 2 मिनट यहाँ दिखाता है ना मैगी बनाने के लिए, उसी तरह ये भी 2 मिनट में बन जाएगा। देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, एकदम ऐसा चुटकी में रेडी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गैस ऑन कर लेंगे, एज यूजल गैस ऑन करेंगे तभी तो काम होगा ना। उसके बाद कढ़ाई बैठाएंगे, उसके बाद 1 कप आप पानी ले लेना, मतलब मैगी में आपको पानी नहीं डालना, इसी से ही करना होगा। तो और ये 2 मैंने जो पॉपकॉर्न लिया था, चीज़ पॉपकॉर्न, उसमें डाल देंगे, पानी में डाल देंगे, दोनों का दोनों जो मैंने लिया है वो डाल देंगे। और इसको डालने के बाद आपको तब तक गर्म, मतलब इनको पकाना है, पका हुआ तो है, इनको मेल्ट करना है आपको पानी में, इन शॉर्ट में बोलूँ तो। फटाफट ये मेल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट उसको चलाते रहना है, क्योंकि मेल्ट हो जाएगा ना पूरा पानी में, आपको घुल मिल जाएगा ये। तो उसके बाद इसमें मैगी डालेंगे, ऐसा कि देख सकते हो पूरा मेल्ट हो गया है, तभी मैं मैगी डाल रही हूँ। और पानी आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, इसी पानी से ही पकाना है। और साथ ही साथ मसाला जो मैगी का होता है, एज यूजल जो इसी तरह बहुत लोग इसी तरह खाते हैं, बट मुझे ऐसा खाना पसंद नहीं है, मैं इसे डाल के ही खाऊँगी। तो फटाफट डालते हैं। डालने के बाद इसको अच्छे से इसी पानी में ही आपको पकाना है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना है। अगर आप वेजेज़ ऐड करना चाहते हो तो वेजेज़ ऐड कर सकते हो, लेकिन विदाउट वेजेज ही ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। और देखते देखते मेरा मैगी पक चुका है, चलिए इसको सर्व करेंगे, उसके बाद दिखाते हैं ये एक्चुअली बना कैसा है। और आप लोग स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने हल्का ऐड किया क्योंकि मुझे नमक कम लगता है इसीलिए। तो फाइनली बन गया है, बनने के बाद दिखाते हैं आप लोग। तो ये देख लीजिए, ये मेरा ब्रेकफास्ट जो कि बहुत ही यम्मी और डिलीशियस लग रहा है। नज़दीक से अगर आप लोगों को मैं दिखाऊँ तो देखिए पूरा चीज़ी सा फ्लेवर है, मतलब चीज़ से पूरा देखने से भी पूरा चीज़ी जैसा लग रहा है, ये देख सकते हो, है ना।
मतलब चीज मैगी विदाउट चीज का मैंने बनाया, तो आप लोग भी ये घर पे ट्राई करना, आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए इसको खाते हैं फटाफट। तो गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो गया डन, और जैसे कि आप लोगों ने देखा ही वो चीज़ मैगी मैंने बनाया, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बताया ही, मतलब थोड़ा सा भी जैसे मैगी बनाने में 2 मिनट लगता है ना, उसी तरह मैं सोचा चलो अपना कुछ दिमाग लगाते हैं, कुछ यूनिक बनाते हैं मैगी के साथ, और क्या हो सकता है। तो ये पॉपकॉर्न जैसा जो है चीज़ पॉपकॉर्न जो था, तो ये तो हम लोग नॉर्मल खाते हैं ना, तो चीज़ मैगी बनाया मैंने विदाउट चीज़ का यूज़ किए हुए। तो आप लोग ये मेरा कंसेप्ट कैसा लगा, और बना भी बहुत अच्छा लग रहा था, टेस्टी लग रहा था, आप लोग भी अपने घर में ट्राई करना, आई मस्ट से आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और ऐसे तो ब्रेकफास्ट में मैं आप लोग हमेशा दिखाती हूँ ना, मैं ये खाती हूँ, मतलब सत्तू का शरबत जो मैं मेरा मतलब फिक्स्ड रहता है खाना, मतलब वो पीना। लेकिन अभी मैं सोचा चलो आज एक यूनिक आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों को मेरा ये कंसेप्ट पसंद आएगा तो आप लोग अपने घर में ट्राई करना, और कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को कैसा लगा। और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वैसे अभी मंथ जून का चल रहा है, और इसी मंथ में मेरा बर्थडे भी आता है जो कि 17 जून को है। और गिफ्ट की बात करूँ तो गिफ्ट हमेशा मुझे हमेशा क्या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स में मुझे एडवांस में गिफ्ट मिल जाता है, तो इस बार भी मुझे मिला है। तो वो किससे मिला है और क्या है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो उससे पहले वीडियो को मेरा लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। तो चलिए मैं दिखाती हूँ वो चीज़ क्या है और किसने मुझे बर्थडे से पहले गिफ्ट करा। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो ये कल ही मुझे मिला था, बट मैं कल शूट नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा चलो कल ब्लॉग शूट करेंगे उसके साथ ही आप लोगों को दिखा देंगे। तो मैं इसे ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये इसके अंदर क्या है और किसने गिफ्ट करा है। तो तब तक के लिए ब्लॉग पर बने रहिए फ्रेंड्स। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो ये वन पीस गाउन है जो कि मिंत्रा से उसने मंगवाया के मुझे गिफ्ट करा है, और जैसा कि देख सकते हो इसका नेक काफ़ी कंफर्टेबल और कूल जैसा लग रहा है। और फैब्रिक की मैं बात करूँ तो फैब्रिक भी इसका अच्छा है, और जो प्रिंट है फ्लावरी फ्लावरी सा, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है फ्लोरल जैसा। और इसके बाजू में बात करूँ तो बाजू भी बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब थोड़ा 3/4 टाइप से ना, और थोड़ा मतलब देखने में बहुत कूल जैसा लग रहा है, और कम्फर्टेबल भी बहुत लग रहा है पहनी हूँ तो मैं। फैब्रिक भी इसका बहुत अच्छा और फिटिंग्स भी इसका बहुत अच्छा है, तो बाकी ओवरऑल बोलो तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। सो गाइस यही मेरा प्री बर्थडे गिफ्ट है, जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया इसका कंफर्टेबल, इसके बारे में जो फैब्रिक के बारे में जैसा मैंने आप लोगों को बताया काफ़ी कंफर्टेबल भी है। लेकिन यही है कि मैंने उससे पूछती रह गई कि इसका प्राइस कितना है क्या बताओ, मैं अपने वीडियो में बता दूंगी, बट वो गिफ्ट ही क्या है जो मैं प्राइस बता दूँ, तो मैं जैसे जैसे करके इसका इमेज मैंने कलेक्ट करा है, वैसे पता है मुझे कितना है, लेकिन आप लोग को बस मैं इसका इमेज वगैरह साइड में दिखा दूँगी। ये लुक बहुत ही बढ़िया लग रहा है दिखने से, और मुझे काफ़ी पसंद, वैसे बीच वगैरह हो गया, पार्टी मतलब नॉर्मल कहीं आउटिंग के लिए तो बढ़िया लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा ये। और एवरी बर्थडे में मेरा जैसा होता है ना, वो छोटा छोटी चीज़ भी जैसे क्यों ना हो, वो सबसे पहले ही वही गिफ्ट करती है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा ऐसा ड्रेस, मुझे अच्छा लग रहा, कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी बढ़िया, फ्लोरल फ्लोरल जैसा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बस मैंने सोचा चलो कुछ अपने लाइफ से रिलेटेड डे का मैं स्टार्टिंग वैसे क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ वही मैंने आप लोग अपने वीडियो में बताया। और बाय द वे मैं फ़ैन ऑन करके वीडियो शूट कर रही हूँ, काफ़ी गर्मी लग रहा है, और फ़ैन ऑन करके शूट भी करूँ तो फिर पसीने हो रहे हैं, बट कोई नहीं। तो चलिए अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो में अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। तो मैं ट्राई करूँगी अपने से रिलेटेड कुछ इसी टाइप के कंटेंट आप लोगों को देने का, और आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, और आप लोग को इस घर के ही ब्लॉग्स अभी भी कंटिन्यू चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मेरा वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस, और ये मेरा ड्रेस कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में कुछ न्यू कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।